हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश का एक एसे या फिर आर्टिकल। देखिए ये आता है 10 नंबर में एग्जाम में, क्लास 12 की इंग्लिश है और ये एसे है, आर्टिकल है, 10 नंबर का आता है एग्जाम में। देखिए याद कैसा होगा, और ये जो एसे है बंडर ऑफ साइंस के नाम से आता है एग्जाम में। देखिए साइंस के नाम से कोई सा भी एसे आ जाए आपको यही लिखना है, या फिर इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में। साइंस के बून एंड कर्स के नाम से आ सकता है। साइंस बून एंड कर्स, बून होते हैं वरदान, कर्स होते हैं इसके अभिशाप। तो इस तरीके से आपसे मालूम कर सकता है एग्जाम में, या फिर वंडर ऑफ साइंस के नाम से सबसे ज्यादा आता है। तो देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे वो समझते हैं। देखिए वंडर ऑफ साइंस, साइंस अ बून और वैन, या फिर बून और वैन के नाम से आ सकता है, या कर्स के नाम से आ सकता है। कर्स क्या होते हैं, अभिशाप होते हैं, या फिर वैन कह सकते हैं, और बून होते हैं वरदान। तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो समझते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे इसमें आ रखा है द मॉडर्न एज, अब मॉडर्न एज का मतलब होता है आधुनिक युग। क्या होता, आधुनिक युग। एज का मतलब यहाँ पे युग है। आधुनिक युग इज द एज ऑफ साइंस, आधुनिक युग साइंस का युग है। ओके, एज का मतलब क्या है, यहाँ पे युग है। साइंस हैज मेड, साइंस ने बना दिया है। ये कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस है। साइंस है, देखिए साइंस क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा हैज, तो नहीं तो हैव आ जाता अगर प्लूरल होता तो। साइंस हैज मेड, साइंस बना चुका है इम्पोसिबल, असंभव को। इम्पोसिबल का मतलब होता है असंभव, असंभव, असंभव होता है इम्पोसिबल। साइंस ने बना दिया है असंभव थिंग्स, चीजों को पॉसिबल संभव। तो साइंस ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो असंभव चीजें थी उनको संभव बना दिया है। वी कैन नॉट थिंक, हम सोच भी नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक, हम सोच भी नहीं सकते ऑफ एनीथिंग, कुछ भी क्या नहीं सोच सकते विदाउट साइंस, बिना साइंस के। तो बिना साइंस के तो हम चीजों को सोच भी नहीं सकते हैं। आगे है इट इज वेरी यूजफुल, यह बहुत ज्यादा लाभदायक है। यूजफुल का मतलब लाभदायक, टू अस हमारे लिए, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक पहलू पर। वॉक का मतलब चलना होता है। आगे समझे द इन्वेंशन, जो आविष्कार हुआ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, बिजली का जो आविष्कार हुआ है उससे क्या क्या फायदा हुआ बताएंगे। इज अ ग्रेट बून, एक बहुत बड़ा वरदान है। बून का मतलब वरदान है, इससे सभी को फायदा हुआ है। इट इज नाउ यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है। नाउ का मतलब अब इसका उपयोग किया जाता है टू कुक, पकाने में, और फूड हमारे खाने को, जो हमारा खाना होता है उसको खाने को बनाने में इसका यूज करते हैं। टू वॉश, धोने के लिए, आर क्लोथ, अपने कपड़े, अपने जो कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है तभी तो धुलते हैं। एंड और टू लाइट, वो जो प्रकाश आता है जो ट्यूबलाइट से जलती हैं, ओके, लाइट से जो प्रकाश आता है वो भी इसी से आता है। आर हाउसेस, हमारे घरों में, एंड स्ट्रीट्स, और गलियों में, गली मतलब रास्तों में जो प्रकाश आता है जो ट्यूबलाइट से लगी हुई होती है। इट रन्स आर ट्रेन्स, यह है हमारी ट्रेनों को चलाती है। रन्स का मतलब चलाना है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। देखिए वर्मा अगर ऐसा आ जाता तो कौन से सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। यह चलाती है ट्रेन्स, हमारी ट्रेनों को। दी इलेक्ट्रिक फैन, जो इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं जो पंखे हैं वो इसी से चलते हैं। द हीटर, जो हीटर है इससे खाना बनता है वो इसी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। द प्रेस, और प्रेस जो चलती है। द रेडियो, रेडियो भी चलता है, टेलीविजन भी चलता है, इटीसी, और बहुत सारी चीजें चलती हैं जो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं थ्योरी बड़े करने के लिए। मेक आर लाइफ, हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इससे, इलेक्ट्रिसिटी से। और ये क्या बना देती है हमारी जिंदगी को, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को आरामदायक कर देती हैं। इट इज यूजफुल, ये है लाभदायक है, एंड हेल्पफुल, और क्या है, मददगार है। तो यह लाभदायक भी है और हेल्पफुल भी है हमारी जिंदगी के लिए। फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मतलब होते हैं उद्योग, जो उद्योग है वो इसी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। एंड फॉर मेडिकल, और जो मेडिकल साइंस है वो भी इसी से चलता है, जो मेडिकल साइंस की क्या होती है, मशीनें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, रन्स, ह्यूज, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं ह्यूज, बड़ी से बड़ी मशीन, इलेक्ट्रिसिटी पर बड़ी से बड़ी मशीन चलती है, फैक्ट्रीज की, विच जिसमें येल्ड मैक्सिमम, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन हो सके, जो मशीनें चलती हैं उससे ज्यादा ज्यादा उत्पादन हो सके। टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, फुलफिल का मतलब पूरा करना, द नीड्स, हमारी जरूरतों को, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। ओके, तो इसी वजह से बिजली का यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो बिजली है, इसी वजह से इतनी इसमें
इसकी व्याख्या की गई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला पेज इसका। चलिए नेक्स्ट वाला पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है आगे समझते हैं। देखिए साइंस यहाँ पर बोला गया है कि साइंस हैज हेल्प्ड, साइंस ने मदद की है डॉक्टर्स डॉक्टर्स की इन फाइटिंग डिजीजेस, मतलब क्या है जो बीमारियां उनको लड़ने में, उनसे लड़ने में डॉक्टर्स की मदद करता है साइंस। रेडियम सल्फा ड्रग्स एंड एक्स रेज आर वंडरफुल इन्वेंशंस। देखिए जो रेडियम सल्फा इन्वेंशन है और एक्सरे जो एक्सरे खिंचता है, एक्सरे जो खिंचवाते हैं जिससे अंदर का पता चलता है बॉडी के, और वंडरफुल ये क्या है आश्चर्यजनक क्या है इन्वेंशन है, आविष्कार है ऑफ साइंस साइंस के। आगे है रेडियम क्योर्स, जो रेडियम है ये जो रेडियम है ये क्योर्स कर देता है, इलाज कर देता है इसका कैंसर, कैंसर का भी। इंजेक्शंस एंड वैक्सीनेशंस, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो वैक्सीनेशन मतलब जो टीके लगाए जाते हैं, चेक डिसीजेस, इससे क्या है डिसीजेस जो बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। इट गिव्स आईज टू ब्लाइंड, यह देता है अंधे को आंखें, आईज टू द ब्लाइंड इसका मतलब होता है अंधे को आंखें दे देता है साइंस। टंग्स टू द डम्ब, गूंगे को जुबान दे देता है, तो डम्ब होता गूंगा और टंग्स होती है क्या होती है जुबान होती है। लेग्स टू द लैम्ब, लंगड़े को टांगे दे देता है कौन साइंस। एंड और ईयर्स टू द डीफ, और बहरे को कान दे देता है कौन साइंस। तो ये सारी चीजें साइंस से ही संभव है। इट इवन चेंजेस, यह बदल देता है सेक्स को भी, जो सेक्स होता है मेल फीमेल जो होता है उसको भी बदल देता है, मतलब जो आदमी है उसको औरत भी बना सकता है। एंड और प्रोड्यूसेस, और उत्पन्न कर देता है टेस्ट ट्यूब बेबीज, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं ओके, जो मशीन से बेबीज पैदा कराए जाते हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी पैदा हो जाते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड, साइंस ने खोज कर दी है या आविष्कार कर लिया है मैनी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अन्य ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट के वाहन होते हैं उनका आविष्कार कर दिया है। एंड और कम्युनिकेशन, और जो दूर संचार होता है या संचार की चीजें होती हैं, सो फोन है संचार की चीज है, इसका आविष्कार किया साइंस ने। तो साइंस ने ट्रांसपोर्ट का आविष्कार किया है, जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली ट्रेन ये सब क्या है ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं। आगे है द इन्वेंशन, और कौन कौन से आविष्कार करें, ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स के करे हैं जो ट्रेनें चल रही हैं, मोटर कार्स के करे हैं जो कारें चल रही हैं, एंड और एरोप्लेन्स, और जो हवाई जहाज है उसका भी आविष्कार किसने किया साइंस ने किया है। अब साइंस से इनसे सारी चीजों से हुआ क्या आप ये बताएंगे, हैज शॉर्टन्ड, इससे छोटी हो गई है डिस्टेंस दूरियां। तो ये जो आविष्कार हैं ट्रेन्स हैं मोटर कार्स हैं एरोप्लेन्स हैं, इन्होंने कर दिया है क्या कर दिया दूरियों को छोटा, शॉर्टन्ड का मतलब छोटा कर दिया है। इट हैज सेव्ड, इसने बचा दिया है टाइम टाइम को एंड मनी पैसे को, इन सारी चीजों ने हमारे समय को बचाया है पैसों को बचाया है। इट हैज मेड ट्रेवलिंग, इसने ट्रेवलिंग को कर दिया है, आइजियर का मतलब होता है इजी बिल्कुल आसान कर दिया है, चीपर सस्ता कर दिया है, एंड स्विफ्टर आसान कर दिया है। सम वंडरफुल साइंटिफिक इन्वेंशन, इसका मतलब क्या बहुत सारे क्या है साइंटिफिक इन्वेंशन है, जैसे टेलीफोन है ओके, और कम्युनिकेशन के संचार के जितने भी सारी चीजें हैं वो हैं, मोबाइल फोन है, ये सारे के सारे क्या है ये वंडरफुल क्या है इन्वेंशन है। और भी बहुत सारी चीजें आप और भी बना बना कर लिख सकते हैं, हम कर देते हैं इसको क्लीन हो ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आर्टिकल है तो देखिए ये जो आर्टिकल है काफी आईएमपी है एग्जाम के लिए, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, हम पढ़ लें इंग्लिश का, तो 12th क्लास की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एसे है आर्टिकल है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, एवरी टाइम हर समय, एवरी टाइम हर समय इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार, तो हर समय जो भारत सरकार है हैज बीन टैकलिंग, टैकलिंग का मतलब होता है निपटारा कर रही है ओके, इसका मतलब होता है निपटाना, क्या होता निपटाना या खत्म करना। तो भारत सरकार जो है हर समय कोशिश कर रही है निपटाने की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो प्रॉब्लम है किसकी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, जो बेरोजगारी की समस्या इंडिया के अंदर, इसको निपटाने की सरकार जो है भरसक कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। एज वन ऑफ इट्स टारगेट, अपने टारगेट्स के रूप में, अपने लक्ष्य के रूप में, तो भारत सरकार है अपने लक्ष्य के रूप में इस समस्या का हल कर रही है, इसको निपटाने की कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम को, कौन सी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की जो समस्या है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिक का मतलब क्या होता है राजनीतिक,
प्रत्येक जो राजनीतिक पार्टी है एंड मेक से रिमूवल, वो हटाने की कोशिश करती है। रिमूवल का मतलब होता है हटाना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। जो हर एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी आती है, जो हर एक राजनीतिक पार्टी आती है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो आती है वो क्या करने की कोशिश करती है, वो रिमूव करने की कोशिश करती है, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करती है एज अ प्लैंक ऑफ इट्स मैनिफेस्टो। और अपने घोषणा पत्रों बताते हैं। देखिए मैनिफेस्टो का मतलब ध्यान पर रखा, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। तो ये वादे करते हैं कुछ, अपने वादों में बताते हैं कि हम इस बेरोजगारी को दूर कर देंगे। आगे समझे, येट ईयर बाय ईयर, साल बाय साल बीत जाता है। और देखिए साल बाय साल द प्रॉब्लम इज गेटिंग, मतलब हर साल के साल द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, इज गेटिंग वर्स वर्स एंड वर्स, बुरी से बुरी होती जा रही है। तो बुरी से बुरी होना वर्स एंड वर्स होता है। ये जो समस्या है बार बार क्या है, और ज्यादा बढ़ रही है, इसको बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए इस तरीके से पैराग्राफ बना के लिखेंगे आप। द जनता गवर्नमेंट इन 1977 प्रोमिस्ड, जो जनता गवर्नमेंट थी इसने 1977 में प्रोमिस्ड वादा किया था टू रेडिकेट, जड़ से मिटाने का। रेडिकेट एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जड़ से मिटाना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। तो ये जो रूल इन्होंने निकाला था 1977 में, इन्होंने वादा किया था कि हम हटा देंगे बेरोजगारी को, किसने, जनता गवर्नमेंट ने। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इन्होंने वादे किए थे इन 10 इयर्स, 10 सालों के अंदर। इन्होंने बोला कि 10 साल के अंदर हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। दे वेस्ट पे आधारित था इनका जो वादा था, किस चीज पर आधारित था बताएंगे। दे वेस्ट वो आधारित था, देयर होप उनकी आशा थी, एक उम्मीद पर आधारित था, ऑन द गांधीयन मेथड, मतलब गांधी जी के जो गांधी जी का तरीका था, मेथड था, उस पर वो आधारित था। आगे समझे कि गांधीयन मेथड मतलब जो गांधी जी के मेथड थे, तरीके थे, उन पे इनके जो उम्मीद थी वो टिकी हुई थी, आधारित था उनका जो मैनिफेस्टो था। ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ओके, तो जैसे टाटा बिरला की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उसको कह रहे हैं कि स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग हैं, यही इनको खत्म कर सकते हैं, किसको, बेरोजगारी की समस्या को। चौधरी चरण सिंह अप्रोच ऑल्सो, जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने अप्रोच किया था इस बात को, माना था ऑल्सो वॉज टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, उन्होंने माना था कि इससे समृद्धि आएगी। प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, उन्नति, प्रगति जो होती है, टू रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में, वाई अटैचिंग ग्रेटर इंपोर्टेंस, और इससे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस जुड़ा हुआ था, महत्व जुड़ा हुआ था, टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का, कृषि का, मतलब कृषि से भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है। एंड डेवलपिंग रूरल, जो डेवलपिंग विकसित हो रहे थे, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण आर्ट्स, जो ग्रामीण की कला थी, एंड क्राफ्ट, और क्राफ्ट थे, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है, इज अ ग्रेट कर्स, बेरोजगारी एक क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है, कर्स है, इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है एक अभिशाप है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है देश को। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए केवल आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, अगर मीनिंग याद है तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और बना बना के भी लिख सकते हैं, ओके। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, बेरोजगारी होता है, टारगेट्स लक्ष्य होते हैं, टैकलिंग निपटारा करना होता है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, और इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं, उद्योग वगैरह। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, रूरल होता है ग्रामीण, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है, बेरोजगारी जो होती है। देखिए आगे समझते हैं आगे क्या दे रखा है, क्योंकि आपको जो लिखना है 150 वर्ड्स में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 में। अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इज अ ग्रेट कर्स, ये दोबारा सलाइन आ चुकी है पहले वाली, ओके। जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज अ ग्रेट कर्स, वो क्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है इन इंडिया, इंडिया के लिए। आगे समझे इससे आगे, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, मिलियंस का मतलब होता है लाखों, तो लाखों लोग बोथ एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, एंड अनएजुकेटेड जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे और जो अनपढ़ है मतलब शिक्षित और अशिक्षित जो लोग हैं, लाखों लोगों में बोथ मतलब दोनों, जो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग हैं, आर कंडेम्ड टू इन्फोर्स्ड आइडलनेस, वो आलस्य के शिकार हो चुके हैं, आलस्य के शिकार हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में जब रोजगार ना मिलेगा तो आलस या फिर आलसी हो जाएगा।
देर आर नो रिलायबल स्टैटिक्स, कोई भी विश्वसनीय स्टैटिक्स नहीं है, डाटा नहीं है। अबाउट देयर नंबर, उनके नंबर के बारे में कितना नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का, ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, पीपल लोग होते हैं। ऑल्सो देयर आर टेंस ऑफ मिलियंस, लगभग देखिए यहाँ पर बोला गया कि 10 लाख लोगों में से ऑफ द अंडर एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड है मतलब एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी बने हुए हैं, मोस्टली इनमें से इन द कंट्री, देश के कंट्री साइड के अंदर रहते हैं। देन तब देयर इज डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और वो क्या रहते हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बेस में रहते हैं, मतलब एम्प्लॉयड होके भी क्या होते हैं बेरोजगार होते हैं, क्योंकि स्टाफ ज्यादा होगा बताएंगे। देखो सच एज ओवर स्टाफिंग, मतलब ओवर स्टाफ ज्यादा होता है, मतलब जनों की जरूरत है 4 की और हो जाते 8, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं लोग। ओवर स्टाफिंग हो जाता है ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, ETC, डेट इज एम्प्लॉइंग मोर हैंड्स, डेट इज एम्प्लॉइंग मोर हैंड्स, और ज्यादा से ज्यादा हैंड्स की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। देन आर नीडेड जस्ट इज प्रोवाइड, अब उनको प्रोवाइड कराना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो जो लोग एक्स्ट्रा में है उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना या उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, देना चाहिए, प्रोवाइड का मतलब मुहैया कराना ही देना होता है। फिर से आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे, देखिए इतना लंबा क्यों हो रहा है, आपको जो पेपर में लिखना है 10, आपको जो लिखना है 10 मार्क्स का लिखना है। 10 मार्क्स का कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर, और ये जो है लगभग 150 वर्ड्स के आसपास है। ओके, अगर आपने 2-3 लाइनें छोड़ भी दी तो भी ये 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर से पैसेज बनेगा, पैराग्राफ बनेगा यहाँ पे। एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, तो रोजगार को बढ़ाओ, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होते हैं अवसर या मौके, तो रोजगार के अवसर बढ़ाओ हैज बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट। इसमें प्रत्येक सरकार क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स करती है, मतलब क्या है इसको हर सरकार को बढ़ाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, इसको बता रहे हैं। येट फिर भी द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है बीन क्वाइट अपोजिट, उल्टा आता है, मतलब प्रत्येक सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करती है रोजगार को, उसका जो रिजल्ट आता है वो उल्टा आता है, मतलब रोजगार ज्यादा होता नहीं है। आगे हैं, मैनी इंडियन इंजीनियर्स, मैनी इंडियन, बहुत सारे जो इंडियन इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हैं, माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाना छोड़ के, टू फॉरेन लैंड्स, मतलब विदेश चले जाते हैं, विदेश भूमि पर चले जाते हैं काम करने के लिए, हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर्स पैसे कमाने के लिए। लाइक जैसे अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाती, टू सीक देयर फॉर्च्यून, अपना भविष्य बनाने के लिए, एंड डू नॉट रिटर्न, और कभी वापस नहीं आते हैं, टू देयर होमलैंड, अपनी होमलैंड पर, अपने निवास स्थान पर, जहाँ पर वो जगह छोड़कर गए, जहाँ पर वो रहते थे, फिर वापस वो आते नहीं हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, ये है समस्या है, यह समस्या है ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब दिमाग के खराब हो जाने की, ब्रेन ड्रेन की, कि वहां पर जाकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इस तरह से ब्रेन ड्रेन बोला गया है ऐसी प्रॉब्लम को। तो ये इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर देते हैं हम इसको क्लीन। चलिए तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यही एक ऐसे है जो 10 नंबर का आता है एग्जाम में, इसको समझते हैं डीपली तरीके से। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, उसको समझते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी, सबसे बड़ा या सबसे बड़ी क्या है, पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेटेड का मतलब होता है जनसंख्या वाली, कंट्री मतलब देश, तो इंडिया सबसे बड़ी जनसंख्या वाला क्या है, एक देश है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में जो इंडिया है सबसे बड़ा देश है जिसमें जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या रहती है। हर पॉपुलेशन यहाँ की जो जनसंख्या है नाउ है इज मोर देन, अधिक है 1 बिलियन, 1 अरब से भी ज्यादा, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, 1 अरब से भी ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज, यह इंक्रीज हुई है ऑफ अबाउट 25 करोड़, यह लगभग इंक्रीज हुई है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यह लगभग 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है विद इन अ डिकेड, एक दशक के अंदर, डिकेड होता दशक, क्या होता दशक, तो एक दशक में लगभग 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है इन द वर्ल्ड,
इन द वर्ड्स का मतलब था शब्दों में, ऑफ एरिक डेफी। एरिक डेफी एक राइटर हैं, इनके शब्दों में इन्होंने बताया है, क्या बताया है कि द रेट एट विच द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग गिव्स द इंप्रेशन ऑफ एन एक्सप्लोजन। देखिए द रेट का मतलब होता है जन्म दर, किसकी, यहां पर जनसंख्या की जो जन्म दर है पूरी दुनिया की इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। गिव्स जो डालती है इंप्रेशन, प्रभाव डालती है ऑफ एन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट पर। जो जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है तो वो किस पे प्रभाव डालेगी, जनसंख्या विस्फोट पर प्रभाव डालती है, मतलब जनसंख्या ज्यादा काफी तेजी से बढ़ रही है। आगे है द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट जो हुआ है, हैज एडेड टू आर सफरिंग्स, इससे परेशानियां होती हैं। सफरिंग्स का मतलब होता है परेशानियां, तो यहां पर बोला गया जनसंख्या विस्फोट से बहुत सारी क्या होती है, परेशानियां होती हैं। इट इज डेट्रीमेंटल, यह है हानिकारक है या रुकावट डालती है टू ओवर डेवलपमेंट, विकास को, तो विकास के अंदर ये रुकावट डालती है, फिर विकास में क्या करती है, ये विकास के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, रुकावट है, किसके लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। देयर इज अ शॉर्टेज, इससे कमी हो गई है ऑफ फूड, खाने की, भाई जनसंख्या ज्यादा होगी तो खाने की कमी होगी, कोई खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। हाउसिंग प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम आई है, घरों में समस्याएं आई है, इज बिकमिंग सेवर, बहुत ज्यादा हो गई है। आर स्टैंडर्ड, हमारा जो स्तर है, स्टैंडर्ड का मतलब स्तर ऑफ लिविंग, जीने का, इज गोइंग डाउन, वो नीचे गिर रहा है, हमारा जो जीवन स्तर है जीने का वो नीचे गिर रहा है। ओके, आगे समझिए, पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक की हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इज मच रिड्यूस्ड, वो कम हो गया है, हमारा जो बॉडी हेल्थ है वो कम हो गया है इसी वजह से। डिसीजेस, जो बीमारियां हैं, डिसीजेस होती हैं बीमारियां, आर क्रॉपिंग अप, वो जो बीमारियां वो हमें घेर रही हैं चारों तरफ से, क्रॉपिंग अप का मतलब घेर रही हैं। मेजोरिटी, एक मेजोरिटी उत्पन्न हुई है, मेजोरिटी का मतलब होता है ज्यादा होना हो पीपल का, रिमेन वो दिखाता है इलफेट, बुरे खाने को। देखिए ज्यादा मेजोरिटी हो जाना लोगों की, वो बुरे खाने को दिखाता है, मतलब बुरा खाना वहां पे खाना पड़ता है, एंड इल क्लेड, और बीमार पड़ जाते हैं, जिससे इल फेड का मतलब बुरा खाना खाने से, इल क्लेड मतलब बीमार पड़ जाते हैं। पॉवर्टी हैज बिकम रैम्पेंट, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, बिकम हो गई है, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, जो गरीबी है वो अनियंत्रित हो गई है, उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अदर इसेंशियल कमोडिटीज, अन्य जो जरूरी कमोडिटीज हैं, उपयोगिता हैं, और नॉट इजली मतलब क्या है, वो आसानी से नहीं मिल रही है, कमोडिटीज का मतलब होता है जो चीजें हैं, खाने पीने की बहुत सारे सामान है, वो नॉट इजिली मतलब आसानी से नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, नहीं मिल रहे हैं, एट रीजनेबल प्राइस, एक अच्छे, एक सही कीमत पर, जो खाने पीने की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वो एक रीजनेबल प्राइस पे वो हमें नहीं मिल रही हैं। और आर चिल्ड्रन स्टार, हमारे जो चिल्ड्रन है, इसको आर बोला जाता है, हमारे जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, स्टार पर भूखे मर रहे हैं, तो इसी वजह से जो बच्चे हैं हमारे वो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि सारी जो चीजें हैं जरूरत की वो अच्छे रेट पर नहीं मिल रही है, रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिल रही है, तो इस वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी गिर रहा है, बहुत सारे नुकसान है इससे, जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या की समस्या से। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, देखिए नेक्स्ट वाला पेज पढ़ते हैं। देखिए आपको जो लिखना है, ये आपको लिखना 100 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर, अगर आपने इसमें से 20-25 वर्ड्स गायब भी कर दिए लिखते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको लिखना है 100 से लेकर 150 वर्ड्स के अंदर। तो ये इतना लॉन्ग है, लगभग इसमें 150 वर्ड्स के आसपास ही है। आगे समझे कि एवरी ईयर, हर साल वी हैव अ न्यू ऑस्ट्रेलिया, एडिट, हम हर साल के साल एक नई ऑस्ट्रेलिया एडिट कर देते हैं टू आर पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या में, तो जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है इतनी हम हर साल बढ़ा देते हैं, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। देयर आर सो मेनी कॉजेस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऑफ दिस एक्सप्लोजन, इस जनसंख्या विस्फोट के, एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पे है जनसंख्या विस्फोट। इंडिया इज अ हॉट कंट्री, इंडिया क्या है, एक गर्म देश है, मतलब यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, सो इसलिए नेचुरली प्राकृतिक रूप से वी हैव अ हाई बर्थ रेट, इसलिए प्राकृतिक रूप से यहाँ पर क्या है, ऊंची जन्म दर है, ड्यू टू के कारण, द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के कारण, ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, और यहाँ पर जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए अगर मेडिकल साइंस आगे है तो वो क्या करेगा,
जो लोग मरते हैं, मरने वाले होते हैं, उनको बचा लेते हैं, तो उससे क्या होता, पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, जितने मरने चाहिए थे इतने नहीं मर रहे हैं। तो इससे क्या होता कि मेडिकल साइंस से हम जिंदगी बचा लेते हैं, तो उससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो कम हो गई है, फलन वो कम हो गई है। फलन का मतलब गिरना होता है, यहाँ को है कम होना। और स्कूल जो हमारे आर सोशल कस्टम्स, सोशल का मतलब होता है सामाजिक कस्टम होते हैं, रीति रिवाज, ये ध्यान कर रखना, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, सोशल कस्टम्स हैं, और ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं। जो हमारे रीति रिवाज हैं पहले से, वो क्या है, जिम्मेदार है जनसंख्या वृद्धि के। तो मेक दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए टू मेक दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सीरियस हो रही है, गंभीर हो रही है, जनसंख्या वृद्धि की, मतलब जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ना, तो इस वजह से बता रहे हैं। मैनी पेरेंट्स, बहुत सारे जो माता पिता हैं, बेस उनकी इच्छा रहती है टू हैव एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वन सन, उन पर एक बच्चा हो। तो प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उन पर एक लड़का होना चाहिए, एक सन होना चाहिए, और फैमिली फैमिली के अंदर, फैमिली प्लानिंग के अंदर जो परिवार नियोजन होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है कितने होने चाहिए। तो मानते हैं कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो एक लड़के के चक्कर में कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इसी वजह से जनसंख्या और बढ़ जाती है। आगे है, देयर आर मेनी साइंटिफिक मेथड्स, बहुत सारे क्या हैं, वैज्ञानिक मेथड्स हैं, तरीके हैं टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए द पॉपुलेशन, जनसंख्या को। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, एंड लिमिट द फैमिलीज, और फैमिली को लिमिट में रखने के लिए। कैसे कैसे तरीके हैं कि ऑपरेशन करा के हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की संख्या को सीमित रख सकते हैं, मेडिसिन खिला के, दवाइयां खिला के, एंड अदर डिवाइसेस, और अन्य दवाइयां, अदर डिवाइसेस, अन्य क्या है, अदर डिवाइसेस का मतलब अन्य उपकरण लगा के, जैसे कॉपर ट्यूब होती है उसका यूज करके, कैन बी ऑफ मच हेल्प, इससे मदद मिल सकती है टू द पीपल, लोगों को, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में, मतलब जो बेबी ज्यादा पैदा होते हैं तो वो इन चीजों से इनको कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो सरकार है, फिलंथ्रोपिक सोसाइटीज, जो फिलंथ्रोपिक सोसाइटीज हैं, जो समाज हैं, जो समाज के रक्षक हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं, जैसे हम लोग एजुकेटेड जो पढ़े लिखे फैमिलीज हैं, परिवार हैं, राइटर्स लेखक हैं, एडिटर्स प्रकाशक हैं, लीडर्स नेता हैं, ऑल सभी को मस्ट ऑब्जर्व, इस पे ध्यान रखना चाहिए, किस पर, जनसंख्या वृद्धि पर, कि क्यों बढ़ रही है, कैसे कम होगी, इसको बताना चाह रहे हैं। एंड इम्फासिस, और इस पर जोर देना चाहिए, इम्फासिस का मतलब था जोर देना, द नीड ऑफ फैमिली, फैमिली प्लानिंग पर, ये कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग पर जोर देना चाहिए। कौन कह रहे हैं, देखिए सरकार को चाहिए ये काम करना, फिलंथ्रोपिक सोसाइटी को चाहिए काम करना, इंडिविजुअल हर किसी व्यक्ति को चाहिए इस बात पे ध्यान रखना, पढ़े लिखे फैमिली को चाहिए, और इन सभी को इम्फासिस करना चाहिए, सारी चीजों को, राइटर्स को, एडिटर्स को, लेखक को, इन सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, और इस पे इम्फोसिस करना चाहिए, द नीड ऑफ फैमिली, फैमिली प्लानिंग पर। तो फैमिली प्लानिंग पर जोर देना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग करो, कितने बेबीज होने चाहिए इसके बारे में। सो इसलिए डेट ऑल राउंड वेलफेयर, कल्याण के लिए, तो इससे क्या होता है, कल्याण होता है देश का। आगे है, ओके, आगे है, ऑफ द कंट्री, कंट्री, कंट्री में भी ब्रॉड, इससे कंट्री में भी हो सकती है ब्रॉड अबाउट, इस बारे में जागरूक। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट कर देते हैं, इसको क्लीन। और आसान थ्योरी है, बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, इसके अंदर 10 नंबर में आता है एग्जाम में। ओके, चलिए, आपको जरूर तैयार करना चाहिए। देखिए ये जो ऐसे है, ये है टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, आतंकवाद पर ये ऐसे है। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश हिंदी में उसको समझते हैं। देखिए टेररिज्म मीन्स, जो टेररिज्म का मतलब होता है उसका क्या होता है वो समझिए। देखिए टेररिज्म मीन्स, टेररिज्म का जो मतलब है, टू यूज करना है, इस्तेमाल करना है टेरर, आतंक को, मतलब डर को। तो टेररिज्म होता क्या है, जो डर होता है उसका यूज करते हैं ये लोग, इंस्पायरिंग, प्रेरित होकर, मेथड्स, कई तरीकों से, वाई टेररिस्ट, टेररिस्ट के, तो टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो कई तरीकों से यूज करते हैं डर का, ओके, आतंक फैलाने में, टू फोर्स, और मजबूर कर देते हैं गवर्नमेंट, एक सरकार को, और कम्युनिटी, एक समुदाय को, जो सरकार होती है उसको मजबूर कर देते हैं।
ओके, और समुदाय और सरकार को दोनों को मजबूर कर देते हैं टू मेक देम एग्री, उनको सहमत कराने के लिए, मतलब सरकार को सहमत कराने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए वो मजबूर कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं एग्री टू फुलफिल, पूरा करने के लिए देयर डिमांड, अपनी मांग को। तो वो अपनी मांग को पूरा करने के लिए इन दोनों लोगों को झुका देते हैं, मतलब सरकार को, समुदाय को, लोगों को, ओके, डरा डरा के। व्हेन जब अ ग्रुप, एक जो ग्रुप होता है पर्सन, व्यक्तियों का, एक व्यक्ति को जो ग्रुप है वांट, वो चाहता है टू हैव एन इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है, स्वतंत्र होना या स्वतंत्र राज्य बनाना, और सम स्पेशल राइट, और कुछ विशेष अधिकार रखना इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। तो क्या होता है कि दे अटैक, वो हमला करते हैं दी एस्टैब्लिश्ड, एक स्थापित सरकार पर, गवर्नमेंट पर, सरकार पर। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो बिल्कुल आजाद होना चाहते हैं, अपने विशेष अधिकार रखना चाहते हैं, संविधान से हटकर चलना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे क्या लिस्ट में आ जाते हैं, आतंकवादी की लिस्ट में आ जाते हैं। दे अटैक, और वो हमला करते हैं एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, एक स्थापित सरकार पर, विद आर्म्स एंड एम्युनिशन। देखिए, विद आर्म्स एंड एम्युनिशन, आर्म्स का मतलब होता है गोला बारूद। देखिए, गोला बारूद लेकर वो क्या करते हैं, स्थापित सरकार पर हमला कर देते हैं। इसको ध्यान रखना, इसका मतलब होता है गोला बारूद, गोला बारूद। ओके, आगे देखें। सच पर्सन, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं और कोल्ड वो कहलाते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो टेररिस्ट कहलाते हैं। आगे समझा, आगे क्या है कि दे डिस्टर्ब, वे परेशान कर देते हैं या भंग कर देते हैं द पीस, शांति को, पीस होती शांति ऑफ द स्टेट, राज्य की, तो वो राज्य की शांति को भंग कर देते हैं, खराब कर देते हैं, एंड द पीपल, और लोगों की, जो लोग होते हैं उनको परेशान कर देते हैं सही तरीके से। ओके, उनके अंदर डर फैल जाता है। दे किल, वो मारते हैं, वे मारते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। दे किल, वे मारते हैं इनोसेंट, मासूम लोगों को, इनोसेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मासूम, तो वे मासूम लोगों को मारते हैं, पर्सन को मारते हैं, पीस लविंग कम्युनिटी, और जो पीस लविंग कम्युनिटी होती है उसको भंग कर देते हैं, मतलब क्या है कि पीस लविंग कम्युनिटी को परेशान कर देते हैं, उनको मार देते हैं। दस इस प्रकार, दस इस प्रकार क्रीड टेरर, इस प्रकार वो टेरर फैला देते हैं, टेरर का मतलब आतंक फैला देते हैं, इन द हार्ट्स, दिलों के अंदर, और पीपल लोगों की, तो लोगों के दिलों के अंदर क्या है, टेरर को फैला देते हैं, आतंक को फैला देते हैं। दी एविल ऑफ टेररिज्म, दी एविल, ये जो एविल है, ये जो बुराई है टेररिज्म, आतंकवाद की है जनाब, वो हो गई है बीकम द प्रॉब्लम, एक समस्या। देखिए, ये टेररिज्म की समस्या है वो अब क्या हो गई है, देखिए टेररिज्म जो है, टेररिज्म की जो बुराई है, एविल का मतलब बुराई, वो एक समस्या हो गई है ऑफ डे टू डे लाइफ, मतलब दिनचर्या की जिंदगी में, जो अब दिनचर्या चलती है, जिंदगी चलती है, उसमें एक समस्या बनी बैठी है, कौन, टेररिज्म, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब ज्यादातर देशों में, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादातर, तो ज्यादातर देशों में ये समस्या हो गई है ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, इंडिया, अब इसमें इंडिया भी आएगी, श्रीलंका आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, तो इन देशों में सबसे ज्यादा आतंक फैला हुआ है, ETC और मैनी ऑफ कंट्रीज, और इसके अलावा भी और क्या है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, देश हैं, डेट और सफरिंग, जो परेशान है फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से, कौन सी समस्या से, ये जो टेररिज्म की समस्या है, समस्या से ही सारे परेशान हैं। देर आर सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं, कुछ देश हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, डेट प्रिपेयर, जो तैयार करते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं टेररिस्ट, आतंकवादियों को, दे गिव देम, वे उनको देते हैं ट्रेनिंग, तो वे उनको ट्रेनिंग देते हैं, आर्म्स एंड नेसेसरी, और क्या है, कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स देते हैं, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उपकरण, क्या होते हैं, उपकरण, तो वो जरूरी उपकरण देते हैं उनको यूज करने के लिए, मारने के लिए लोगों को, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा और है, आगे समझते हैं इसको, आगे देखिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट वाला पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। देखिए, आपको जो लिखना है ये लगभग कितने वर्ष में लिखना है, ये आपको लिखना है 100 से लेके 150 वर्ष के अंदर, तब आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, 10 नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये 10 नंबर का आता है एग्जाम में, अगर आपको 10 नंबर लेने हैं तो 100 से लेके 150 वर्ष में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं इसको लिखने के, एक तो आप ये रट्ठा मार के लिख सकते हैं, या फिर आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए और इसके मीनिंग याद होने चाहिए। ओके, तो आपकी मर्जी है कैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, आगे समझते हैं, आगे क्या दे रखा है। पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटिंग, पाकिस्तान बना रहा है, क्रिएटिंग कर रहा है, बना रहा है अ ग्रेट रूवल ऑफ टेरर, मतलब क्या है,
डर बना रहा है या टेरर आतंक बना रहा है कौन पाकिस्तान, अगर है दिस नाइबरिंग कंट्री, यह जो हमारा नाइबरिंग कंट्री है पड़ोसी कंट्री है, इसका मतलब होता है पड़ोसी, क्या होता है पड़ोसी, तो ये जो हमारा पड़ोसी कंट्री है देश है हैज बीन सेंडिंग, वो भेज रहा है, सेंडिंग भेज रहा है टेररिस्ट आतंकवादियों को इन टू आर कंट्री, हमारे देश के अंदर फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, तो कई सालों से हमारे देश में क्या है ये टेररिस्ट को भेज रहा है, इट हैज बीन सपोर्टिंग, यह सपोर्टिंग कर रहा है, यह मदद कर रहा है देम उनकी विद आर्म्स, आर्म्स देके गोला बारूद देके एंड एम्युनिशन, एम्युनिशन का मतलब था गोला बारूद, ये बंदूक देके मनी और पैसा देके एंड ट्रेनिंग और ट्रेनिंग देके, ये पाकिस्तान है ये लोगों को क्या करता है ये गोला बारूद देता है, पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है और बना देता है आतंकवादी। आगे है द एम, इसका जो लक्ष्य है ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का इस टू क्या है अनेक्स जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना है। देखिए ये जो देश है ये ऐसा क्यों करता है, ये जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, ओके, लोगों को ट्रेनिंग करके और ट्रेनिंग देकर, लोगों को ट्रेनिंग देकर और उनका आतंकवादी बना के क्या है ये कब्जा करना चाहता है। आगे है थ्रू क्रिएटिंग टेरर, अब ये थ्रू के माध्यम से क्रिएटिंग करता है, क्या करता है टेरर, आतंकवाद को बढ़ावा देता है इन आर कंट्री, हमारे देश के अंदर टेररिज्म, जो टेररिज्म है आतंकवाद है इज ऑलवेज, वो हमेशा हार्मफुल नुकसानदायक है। देखिए टेररिज्म जो है वो हमेशा नुकसानदायक होता है, इट कैन डिस्ट्रॉय, यह डिस्ट्रॉय कर सकता है, यह नष्ट कर सकता है पीस शांति को एंड प्रोस्पेरिटी समृद्धि को उन्नति को, तो यह समृद्धि और उन्नति को क्या कर सकता है ये नष्ट कर सकता है ऑफ अ कंट्री, एक देश की। आगे है द इनोसेंट, जो मासूम लोग होते हैं एंड पीस लविंग पीपल, जो पीस लविंग पीपल होते हैं जो शांति से रहना पसंद करते हैं लोग, और किल्ड वो मारे जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं मासूम लोग मारे जाते हैं जो शांति से लोग रहते हैं समुदाय में वो मारे जाते हैं, किल्ड मारे जाते हैं, सो इसलिए इट इज द ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है ऑफ एवरी गवर्नमेंट, सो इसलिए ड्यूटी है, कर्तव्य है वो एवरी गवर्नमेंट, हर सरकार का, हर सरकार का कर्तव्य है टू क्रश, वो कुचल दे, क्रश कुचल दे टेररिज्म आतंकवाद को विद एन आयरन हैंड, कड़े हाथों से, ये सख्ती से, तो सख्ती से इस टेररिज्म को खत्म कर दे ब्रिटिश सरकार, ऐसा ऐसी उसकी क्या है ड्यूटी है। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होना चाहिए कि शुड बी हेल्ड, उसको आयोजित कराना चाहिए कि डील विद, वो इससे निपटारा करें दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से है, तो इस प्रॉब्लम को वो निपटाएं, कौन इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो आपस में बैठे बातचीत करें सारे देश मिलकर कि कैसे इस समस्या को निपटाया जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ऐसे क्या है, ऐसे दे रखा है इसमें डेवलपिंग विलेजेस इन इंडिया, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना, डेवलपिंग विकसित होना विलेजेस गांव का इन इंडिया, इंडिया के अंदर, तो भारत में गांव का विकसित होना ये क्या है कैसे है, तो इसका ट्रांसलेशन देखें, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखिए, आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता आजादी, आजादी के बाद में गांधी जी ने गैवस का स्लोगन है, उन्होंने एक स्लोगन दिया, स्लोगन का मतलब था नारा, ओके एक नारा दिया कि लेट अस वॉक, कि चलो कहां पर विलेजेस गांव की तरफ, तो इन्होंने नारा दिया कि चलो जहां पर लेट आ जाए इसका मतलब निकालेंगे चलो, चलो गांवों की तरफ, गांधी जी ने कंसिडर्ड किया द डेवलपमेंट, विकास को उन्होंने माना कि विकास होना चाहिए ऑफ द विलेजेस गांव का, द डेवलपमेंट जो विकास है ऑफ द कंट्री देश का, तो गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, उनका ऐसा मानना था, ऐसा कहा जाता था गांधी जी के द्वारा, फॉर अबाउट 70%, लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या लगभग 70% जो जनसंख्या है ड्वेल इन विलेजेस, वो गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है, ये कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि गांव का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा, कंट्री का विकास होगा, क्योंकि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो गांव में रहती है। द ग्राम प्रधान, जो ग्राम प्रधान होता हैज गिवन, उसको दिया जाता है सम फाइनेंशियल पावर्स, कुछ उसको वित्तीय शक्ति दी जाती है, कुछ पैसा दिया जाता है गांव के विकास के लिए, ऑलमोस्ट ज्यादातर ऑल द विलेजेस, सभी जो गांव है, हैव सीमेंटेड स्ट्रीट्स, वो क्या है स्ट्रीट्स मतलब उसमें गलियां बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं विद ड्रेन्स, इसके साथ नालों के साथ, तो ड्रेन्स होते हैं नाले, क्या होते हैं नाले, तो नालों के साथ वहां पे गलियां बनाई है, रास्ते बनाए हैं, स्ट्रीट्स बनाई है,
अब है देयर आर पब्लिक, देयर आर पब्लिक, ये पब्लिक लिखा हुआ, पब्लिक हेडपंप्स वहां पर क्या होते हैं, हेडपंप्स लगाए गए हैं, हेडपंप्स जो होते हैं सरकारी नल वो लगाए गए, सेटअप स्थापित किए गए हैं बाई द एमएलए, एमएलए के द्वारा एंड एमपीज, और एमपीज के द्वारा जो सांसद लोग होते हैं उनके द्वारा। एवरी विलेज, प्रत्येक गांव हैज बीन कनेक्टेड, वो जुड़ा हुआ है टू द टाउन्स कस्बों से बाई रोड्स, रोड्स के द्वारा। तो प्रत्येक जो गांव है वो कस्बों से शहरों से जुड़ा हुआ है रोड के द्वारा आगे है। विलेजेस हैव प्राइमरी, गांव के अंदर होता है प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और क्या होता है हेल्थ सेंटर्स होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। देयर इज अ कम्युनिटी, देयर इज अ कम्युनिटी सेंटर, और कम्युनिटी सेंटर भी होते हैं, केंद्र भी होते हैं, सामुदायिक क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। वेयर मीटिंग्स, जहां पर मीटिंग्स की जाती है, जहां पर बातचीत चलती है, मीटिंग्स की जाती है। ऑफ द विलेज, पंचायत, गांव की एक पंचायत होती है, हेल्ड वहां पर आयोजित होती है। इट इज ऑल्सो अ सेंटर, यह भी सेंटर है ऑफ रिक्रेशन, रिक्रेशन का मतलब था आनंद, तो ये सेंटर माना जाता है रिक्रेशन का, आनंद का। और टीवी, वहां पर टीवी लगी हुई होती है, इज देयर वहां पर फॉर द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए। हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, जिससे कि प्रोग्रेस दिखाया जाता है इन एग्रीकल्चर, कृषि का। ओके चलिए, तो आप इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट, हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला पेज क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा और है आपको लगभग, ये लिखना है कितने वर्ड्स में लिखना है आपको, आपको लिखना है ये देखिए, आपको लिखना है 100 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स के बीच में, और इसके जो मार्क्स हैं, इसके जो मार्क्स हैं वह है 10 मार्क्स, कितने 10 मार्क्स, 10 नंबर का आएगा एग्जाम में ये। द वीक फार्मर्स, जो बड़े बड़े किसान हैं, हैव मैकेनिज्ड देयर फार्मिंग, उन्होंने मैकेनिज्ड किया है देयर फार्मिंग, अपनी फार्मिंग को, अपनी किसानी को, तो उन्होंने अपनी किसानी को वहां पर मैकेनिज्ड कर लिया है किसानों ने। नाउ अब द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहां पर क्या राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम लागू कर दिया गया है, प्रोवाइड्स का मतलब लागू कर दिया है। आगे है 100 वीडियोस, वहां पर 100 वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि गांव वालों ने, जो गांव में किसान है बड़े बड़े, उन्होंने अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए मैकेनिज्ड कर लिया है, मतलब यांत्रिकरण कर लिया है, मतलब वहां पर यंत्र लगा लिए, मतलब यंत्र का मतलब जैसे ट्रैक्टर ट्राली, और ट्रैक्टर ट्राली बहुत सारी चीजें होती हैं, उपकरण जो होते हैं उनको बताना चाह रहे हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहां पर नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम वहां पर लागू कर दिया, प्रोवाइड्स कर दिया है 100 वीडियोस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 वीडियोस दिखाई जाती है टू ईच रूरल हाउस होल्ड, मतलब प्रत्येक ग्रामीण हाउस होल्ड के लिए। रूरल बैंक्स आर इंटेंडेड, वहां पर जो रूरल ग्रामीण बैंक्स होती है वहां पर स्थापित कर दी है टू सर्व, देखिए टू सेव बचाने के लिए, टू सेव बचाने के लिए द विलेजेस, गांव वालों को किससे बचाने के लिए, फ्रॉम दीज बैंकिंग, वहां की बैंकिंग से, ऑन द मनी लैंडर साहूकार, जो साहूकार लोग होते हैं वो लूटते हैं लोगों को, तो उनसे बचाने के लिए वहां पे क्या है रूरल बैंक्स बना दी गई हैं। द बैंक्स गिव, जो बैंक्स हैं वो गिव देती हैं लोन्स, लोन्स देती हैं एट लो म्यांमार, म्यांमार रेट्स, देखिए एक म्यांमार रेट्स के मतलब कम दर पर पैसा दिया जाता है म्यांमार रेट्स के द्वारा, ऑफ इंटरेस्ट कम ब्याज पर, टू हेल्प, मदद के लिए द विलेजेस, गांव वालों को स्टार्ट शुरू करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे पैमाने पर उद्योग, छोटे पैमाने पर उद्योग दिए जाते हैं, बनाकर दिए जाते हैं, और कम पैसों पे मतलब का कम रेट पे इंटरेस्ट दे देते हैं, ब्याज दे देते हैं उनका काम चालू करने के लिए। विलेजर्स हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड, गांव वालों को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है, इलेक्ट्रिफाइड का मतलब यह है कि वो उनको बिजली पहुंचा दी गई है। द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, ये जो स्कीम है, ये जो योजना है सर्व शिक्षा अभियान की है, SSA इसको बोलते हैं शॉर्ट में, देखो सर्व का ए आ गया है, शिक्षा का एस आ गया है, सर्व का एस आ गया है, शिक्षा का एस आ गया है, अभियान का ए आ गया है, तो सर्व शिक्षा अभियान वहां पे उन्होंने लागू कर दिया है। इज बीइंग इम्प्लीमेंट का मतलब था लागू करना, उन्होंने लागू कर दिया है इन ऑल विलेजेस, सभी गाँव के अंदर, टू प्रोवाइड कराने के लिए यूजफुल लाभदायक चीजों को एंड रिलेवेंट और उससे संबंधित। एलिमेंट्री एजुकेशन, वहां पे प्राथमिक एजुकेशन प्रोवाइड करा दिया फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, इन द 6 टू 14
एज मतलब 6 से 14 साल के बच्चों में उन्होंने रिलेवेंट वहां पर क्या है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड कराती है गांव के विकास के लिए, क्योंकि एजुकेशन को ना सबसे ज्यादा जरूरी है। द पंचायत राज, जो पंचायत राज है इज एन एग्जाम्पल, वो उदाहरण है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का। द पंचायत राज, जो पंचायत राज है इज एन एग्जाम्पल, वो उदाहरण है डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण का। आगे है और पावर शक्ति के, गवर्नमेंट सरकार को गिफ्ट देखे, गवर्नमेंट गिफ्ट द टॉप प्रायोरिटी, सरकार गिफ्ट देती है टॉप प्रायोरिटी, देखिए टॉप प्राथमिकता देती है टू रूरल डेवलपमेंट, इसको ग्रामीण विकास को, जो सरकार है वो ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, प्रायोरिटी देती है, उसको बता रहे हैं प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। मीनिंग में जैसे कि मैकेनिज्ड का मतलब होता है यांत्रिकरण करना, फार्मिंग होती है खेती, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम मतलब क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, गारंटी अधिनियम है पूरा ये, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम प्रोवाइड्स, मुहैया कराना बांटना होता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार होता है, और इंटेंटेड लागू करना ये इरादा भी होता है इसका मतलब, इंटरेस्ट ब्याज होता है, इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकरण होता है, रिलेवेंट संबंधित होता है, और एजुकेशन शिक्षा होती है, एलिमेंट्री होती है जरूरी, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। तो बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में समझेंगे हम एक क्लास 12 का एक ऐसे है जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, समझते हैं। देखिए ये जो ऐसे है ये दिया गया है, देखिए एम ऑफ लाइफ, एम का मतलब होता है लक्ष्य, जिंदगी का लक्ष्य, उस पर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है इंग्लिश के अंदर, या फिर माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, एम्बिशन क्या है, मकसद लक्ष्य क्या है, इसके बारे में क्या लिखना है आपको, ये कैसे लिखना है, ये आता 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 की इंग्लिश के लिए 10 नंबर का आता है। तो देखिए कैसा इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, वो समझे कि वन यहाँ पर बोला क्या गया है वो समझते हैं। देखिए वन हैज टू फिक्स, हमें एक फिक्स करना चाहिए, फिक्स का मतलब पक्का करना चाहिए, एम लक्ष्य, एम क्या होता है लक्ष्य, याद रखें इसकी मीनिंग क्या होता है लक्ष्य, हमें एक ऐसा मकसद फिक्स करना चाहिए, ये लक्ष्य फिक्स करना चाहिए इन लाइफ जिंदगी में, कि टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, तो सफल होना आपको किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वहां पर लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन एमलेस, एक एमलेस जो लाइफ है, देखिए एन एमलेस, एमलेस का मतलब होता है बिना लक्ष्य के, बिना लक्ष्य के जो लाइफ है, जिंदगी है, इज प्रैक्टिकली नो लाइफ, मतलब व्यवहारिक रूप से कोई लाइफ नहीं है, व्यवहारिक का मतलब होता है जैसे लाइफ जीनी होती है उस रूप में कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, आगे पता चल जाएगा एट ऑल किसी की भी। अ पर्सन, एक व्यक्ति, विदाउट एम, एक जो व्यक्ति बिना, विदाउट का मतलब होता है बिना एम लक्ष्य के है, एक जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के होता है, इज लाइक अ शिप, एक ऐसा शिप होता है विदाउट अ रूडलर, बिना पतवार के, यहां पर बात को समझें, देखिए एक ऐसा शिप है पानी के अंदर जिसमें पतवार नहीं है, तो वहां पर कोई बैठा होगा तो वो जो शिप आओ चलेगी नहीं, जो नाव होती है वो चलेगी नहीं बिना पतवार के, पतवार से तो आओ ढकेला जाता है। तो इस तरीके की जिंदगी क्या होती है, बेकार जिंदगी होती है अगर वहां पर अगर एक एम फिक्स ना हो। आगे है द एम पोर्ट्स, जो एम होता है एक जो लक्ष्य, द एम पोर्ट्स, एक जो एम होता है एक जो लक्ष्य होता है, पुट्स वन इंटू एक्शन, वो एक्शन कराता है, कोई काम कराता है। देखिए अगर आपके दिमाग के अंदर कोई लक्ष्य है तो वो जो लक्ष्य है बार बार काम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो उसी को बता रहे हैं एक लक्ष्य क्या करता है, एक एक्शन में बदल जाता है, एक एक्शन कराता, कोई ना कोई काम कराता है। इट इज देयर फॉर इम्परेटिव, यह बहुत ज्यादा क्या है, इम्परेटिव है, इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य यह बहुत ज्यादा जरूरी, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेट वी शुड, हमें चाहिए, हैव एन एम, हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए जिंदगी के अंदर, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत में ही, देखिए शुरुआत की जिंदगी में हमें लक्ष्य फिक्स कर लेना चाहिए, कब, व्हेन, जब आर फॉर्मल एजुकेशन, जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन हो, जैसे कि
ट्वेल्थ तक की होती है, हाई स्कूल इंटर तक की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो लक्ष्य है वो फिक्स हो जाना चाहिए। वी मस्ट, हमें चाहिए चुनना अ प्रोफेशन, एक ऐसा काम चुनना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब होता है काम या पेशा, तो हमें एक ऐसा पेशा चुनना चाहिए वाई इवेल्युएटिंग, छानबीन करके। तो जो आपको काम करना है उस काम में क्या होना चाहिए, उस काम को चुनते हुए उसको छानबीन करना चाहिए कि काम हमसे हो पाएगा जिंदगी में, नहीं हो पाएगा, मतलब जिंदगी भर तक के लिए काम करना पड़ता है ना, तो उस काम को इवेल्युएटिंग करके करना चाहिए आर क्वालिटीज, अपने गुणों की। तो हमारे जो गुण होते हैं, मान लो आपको टीचिंग का शौक है, पढ़ाने का शौक है, तो टीचिंग वाले गुणों के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, टीचिंग का प्रोफेशन चुनना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और काम में है तो उसके गुण के हिसाब से आपको काम चुनेंगे। तो इवेल्युएटिंग करना चाहिए अपने क्वालिटीज को, अपने गुणों को, तब जाकर प्रोफेशन चुनना चाहिए अपना ऑफ हेड एंड हार्ट, और अपने दिल और दिमाग की सुननी चाहिए। तो दिल और दिमाग की सुनने के बाद में क्या करना चाहिए, अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए। चूजिंग अ राइट प्रोफेशन, चूजिंग चुनना एक सही प्रोफेशन, एक सही काम इज द की, वो क्या है, चाबी है टू सक्सेस, सफलता की। अगर हमने अपना सही काम चुन लिया, हमें यही काम करना है, तो वो सफलता की क्या है, कुंजी है, की है इन आर फ्यूचर लाइफ, अपनी भविष्य की जिंदगी के लिए। तो हमारे जो भविष्य है, उस भविष्य की जिंदगी के लिए जो एम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गोन आर द डेज, वे दिन बीत गए, गोन आर द डेज, वे दिन बीत गए, हैं जब चूजिंग, हम चुनते थे अब प्रोफेशन, एक काम को, एक ऐसा काम, एक ऐसा करियर कि वॉज नॉट टेकन सीरियसली, जिसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जिसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था, हम पहले इस काम को चुनते थे, पहले की बात है ये। आगे है द सन, एक जो सन होता है और वंस प्रोफेशन, वो अपना प्रोफेशन चुनता है, चूज करता है द सेम प्रोफेशन, अपना सेम प्रोफेशन, मतलब जो पिता करता है वही क्या करता है, बेटा करता है। ये कब की बात है, पहले की बात है। अ फार्मर्स, एक जो किसान का बेटा होता है, वीकम वो हो जाता है, देखिए वीकम की सेकंड हो विकम आई है, जो किसान का बेटा है विकम वो बन जाता है। अ फार्मर, एक किसान, तो ये पहला होता था, बट अब एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं सारे के सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा से लोग। अ कारपेंटर्स, एक जो कारपेंटर्स होता है, एक जो बड़ा ही होता है सन, मतलब कारपेंटर्स का जो सन होता है, बेटा होता है, चूज वो चुनता है टू बी अ कारपेंटर, या कारपेंटर बनना, तो वो उस टाइम की बात थी, अब वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो कारपेंटर बने या कुछ और बने। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है नाउ अब एज देयर आर इन्यूमेरेबल, इन्यूमेरेबल का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है नाउ अब की एज देयर आर इन्यूमेरेबल, यह अजीब सी चॉइस चुनना, मतलब अजीब होता है इसका मतलब चुनना ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन को, तो अब ऐसा नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से चुनते हैं। आउट ऑफ विच वन कैन चूज, पर हम कोई सा भी चुन सकते हैं, हम कोई सा भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वंस टैलेंट, अपने खुद के टैलेंट के आधार पर, डिपेंडिंग मतलब निर्भर होना होता है, तो अपने टैलेंट के आधार पर हम कोई सा भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। आगे है एंड और एप्टीट्यूड, और अपने रुझान के हिसाब से, जो आपका रुझान है, जो एप्टीट्यूड है, उसके आधार पर अपनी जिंदगी को कैसे भी चुन सकते हैं। एंड लीड हैप्पी लाइफ, और एक खुशी या फिर खुशहाल भरी जिंदगी जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आप देखिए इसको कर देते हैं हम क्लीन, और आप देख सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट, और थोड़ा सा और है क्योंकि ये 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में 10 नंबर का आता है एग्जाम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दे रखा है, बस थोड़ा सा और है, इसको समझते हैं। देखिए आई मे बी कोल्ड एन ऑर्थोडॉक्स, मुझे मे बी कोल्ड, मुझे कहा जा सकता है एन ऑर्थोडॉक्स, एक रूढ़िवादी, तो मुझे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो अपनी बात चलाता हो। इन माई एम लाइफ, मेरी लक्ष्य भरी जिंदगी में, जो मेरा लक्ष्य है, मैं लक्ष्य के हिसाब से अपना काम करता हूँ, तो मुझे रूढ़िवादी भी कहा जा सकता है। सिंस माई फैमिली ट्रेडिशन, और जो मेरा फैमिली ट्रेडिशन है, देखिए ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, क्या होती है, परंपरा, तो मेरा जो फैमिली का ट्रेडिशन है, परंपरा है,
गो इज इन फेवर, वो मेरे फेवर में है, ऑफ माई चॉइस मेरे चॉइस के। अब आगे बताएंगे कैसे कि बोथ माई पेरेंट्स मेरे जो माता पिता हैं और डॉक्टर्स वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। अब ये डॉक्टर्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली बना देंगे क्योंकि वो इसको दिस प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन है ये जो पेशा है, मे गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दे सकता है टू बी ब्लिसफुल, एक खुश होने के लिए, बाई रेंडरिंग सर्विस टू लेसन द पेन्स ऑफ द सिक एंड एलिंग पेरेंट्स। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है जिसमें मैं ब्लिसफुल जिंदगी जी सकता हूँ, बाई रेंडरिंग सर्विस, एक सर्विस देकर, एक सेवा को देकर, टू द लेसन, जैसे पेन्स, जैसे कि बीमारों का जो पेन्स होता है, जो दर्द होता है वो दूर किया जाता है, एंड एलिंग पेरेंट्स, जैसे बीमार माता पिता का दर्द दूर किया जाता है, किस चांस से, मतलब क्या है, किस से, किस प्रोफेशन से, तो वो डॉक्टरी की प्रोफेशन से तो दूर करते हैं। आगे है आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता तो सर्व, सेवा करना, तो मैं सेवा करना नहीं चाहता हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, आई आया है तो क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू आता है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज आता है। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता टू सर्व, सेवा देना, इन आ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर, इन द सिटी, शहर के, आई प्लान टू स्टार्ट, मुझे प्लान करना है, मुझे शुरू करना है, एक डिस्पेंसरी इन अ रिनोट, एक डिस्पेंसरी रिनोट शुरू करनी है, एक दुकान का नाम होता है ब्लेज गांव के अंदर, वेयर, जहां मेडिकल फैसिलिटीज, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। देखिए फैसिलिटीज का मतलब होती है सुविधा, तो जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, मुझे वहां पर एक डिस्पेंसरी, एक शॉप खोलनी है, और बियॉन्ड पुअर, और किनको देने के लिए, गरीब लोगों को देने के लिए, मेंस रीच, और उन पे पहुंच सके। देखिए जो मेडिसिन होती है तो गरीब लोगों के पास वो दवाई पहुंच सके, उसका ये सपना है। आई सेल गिव देम फ्री मेडिसिन, मैं उन्हें दूंगा देम मतलब उनको, जो गरीब लोग हैं, फ्री मेडिसिन, फ्री में दवाई दूंगा। दिस इज माई ड्रीम, यह मेरा सपना है, एंड आई प्रे टू गॉड, और मैं इस बार से प्रार्थना करता हूँ तो फुलफिल, वो पूरी हो जाए माई एम्बिशन, मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा एम है, ये लक्ष्य पूरा हो जाए, जो गरीब लोग हैं जिनको दवाई नहीं मिल रही है वो दवाई पहुँच जाए उनके पास। आगे है सिंस सिक्योरिटी, और इसमें सुरक्षा देनी चाहिए इस बार को मुझे, एंड डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है, डिवोशन का मतलब भक्त होना, विल बी माई गाइडिंग, और मुझे अच्छी तरीके से गाइडिंग किया जाना चाहिए, गाइडिंग फैक्टर्स दिए जाने चाहिए, फैक्टर्स के मतलब होते हैं कोई फैक्टर्स किसी बात के जो मेन पॉइंट होते हैं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, और माई सक्सेस, अपनी सफलता के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि मैं सफल हो जाऊंगा, आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से क्या हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, तो माई सक्सेस का मतलब मेरी सफलता, तो मेरी सफलता के लिए मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, मैं पक्का सफल हो जाऊंगा, ऐसे इनका मानना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और ये आपको जरूर तैयार करना, वर्ड एग्जाम के लिए काफी आता है, एम ऑफ लाइफ के नाम से। चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो, मुझे काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।